नमस्कार दोस्तों, सी टेट एमपी टेट की तैयारी हेतु ईवीएस के चैप्टर 3 की आज हम बात करेंगे, पृथ्वी और सौरमंडल। ईवीएस की क्लास 1 से क्लास 8 तक की बुक्स पर ही आधारित है। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23/1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी की प्रमुख तीन परतें होती हैं, भूपर्पटी, क्रस्ट, प्रावार, मेंटल, क्रोट, कोर। भूपर्पटी की मोटाई 30 से 60 किलोमीटर होती है। प्रावार भूपर्पटी से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाने वाली मध्य परत है। क्रोड में पिघला हुआ लोहा रहता है। ब्रह्मांड में लगभग 10^11 अर्थात 10 अरब मंदाकिनियां या गैलेक्सी होती हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4608 × 10^12 किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व बना है और 500 करोड़ वर्ष तक बना रहेगा। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान यूनियन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार प्लूटो अर्थात यम को ग्रह की परिभाषा में नहीं लिया गया है। इसे अब ग्रहों में नहीं गिना जाता है। कुछ ग्रह और उनके प्राकृतिक प्रमुख उपग्रह हैं, जैसे मंगल के फोबोस और डिबोस, पृथ्वी का चंद्रमा, बृहस्पति के 49 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसमें गनीमेड सबसे बड़ा है, शनि के 60 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है, अरुण के 21 प्राकृतिक उपग्रह हैं जबकि वरुण के 8 हैं। इसी तरह मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शनि को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। हेली धूमकेतु 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अंतिम बार यह 1986 में दिखाई दिया था, अब यह 2062 में दिखाई देगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जबकि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट भेजा गया था जबकि भारत द्वारा 1975 में आर्यभट्ट भेजा गया था। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 100 गुना एवं द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 10 लाख गुना है। सूर्य के नाभिक का तापमान 2 करोड़ केल्विन 1.56 × 10^7 केल्विन एवं दाब 2 × 10^16 पास्कल होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 केल्विन होता है। शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस प्रभाव सदा बना रहता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉइड्स चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सेरेस है। अभी तक लगभग 88 तारामंडल पहचान लिए गए हैं। इस तरह हमने इस चैप्टर 3 की बात की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।